रामकृष्ण आश्रम में भू माफियाओं द्वारा किए गए अत्याचार का माकपा ने किया घोर निंदा। पुलिस की भूमिका पर उठाए गए सवाल। आंदोलन की दी धमकी। सिलीगुड़ी संलग्न सालूगढ़ स्थित रामकृष्ण आश्रम में भू माफियाओं द्वारा घुसकर वहां रहने वाले लोगों को धमकाने के मामले में राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज दार्जिलिंग जिला माकपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की घोर निंदा की गई। दार्जिलिंग जिला संयोजक जीवी सरकार ने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। तृणमूल नेता लोगों से कटमनी ले रही है, लेकिन अब साधु संन्यासियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण आश्रम पर जिस प्रकार से वो माफियाओं ने हमला किया, माकपा इसकी घोर निंदा करता है। एक धार्मिक संस्थान पर इस प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस आश्रम को तत्काल सील कर दिया है, लेकिन पुलिस ने भू माफिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि भू माफिया शासक दल से मिले हुए हैं। पुलिस को यह आदेश है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान आने के बाद इस प्रकार की घटना सामने आई। यह घटना काफी निंदनीय है। अगर जल्द से जल्द भू माफिया को गिरफ्तार नहीं किया गया तो माकपा के द्वारा जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। भू माफियाओं ने रविवार देर रात रामकृष्ण मिशन आश्रम के निवासियों और भिक्षुओं को भी दखल कर दिया था। आरोप है कि उपद्रवियों को राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी शिव प्रेमानंद ने भक्ति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सालूगढ़ा निवासी प्रदीप राय अपने सागिर्दों के साथ आश्रम परिसर में जबरन घुसे और वहां के सुरक्षा कर्मी समेत साधुओं को हथियार से बल पर परिसर से निकालने की धमकी दी, बल्कि कुछ साधु और सुरक्षा कर्मियों को जबरन गाड़ी में डाल न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 97 कट्ठा जमीन पर रामकृष्ण मिशन आश्रम का सेवक हाउस स्थित है। वह जमीन सालूगाड़ा निवासी किसी टुकड़ा सिंह की थी। उन्होंने स्वेच्छा से उस उक्त जमीन रामकृष्ण मिशन को दान दी थी। তার আগের দিন রাত্রিবেলাতে যেভাবে এই সন্ন্যাসীদেরকে কার্যত অপহরণ করে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হলো, এবং এটা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আরও এই কারণে যে পুলিশ তড়িঘড়ি গিয়ে বললো কি তারা ওই প্রপার্টি সিল করে দিচ্ছে। সিল করে দিয়ে তারা এখন বলছে ওখানে ফরেন্সিক টেস্ট হবে, কারা কি করেছে না করেছে এটা দেখবে। তড়িঘড়ি পুলিশ গিয়ে ওখানে সিল করলো, কিন্তু একজন মাফিয়াকেও গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশ জানে না কারা এই জমির মাফিয়া এসব এলাকাতে, কারা এই কাজ করছে গোটা ডাবগ্রামে সেবক রোড এলাকাতে, কারা শাসক দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর জমির মাফিয়া বৃত্তি করে, জমি দালালি করে, এবং এইভাবে যারা কাজকর্ম করে পুলিশ চেনে না, পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করতে পারছে না। এবং একদম ভক্তিনগর থানার সামনে ঘটনা, পুলিশ সব জানে, পুলিশের ওপরে নির্দেশ হচ্ছে। আর যাই হোক, এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। শাসক দলের আশ্রয়ে থেকে শিলিগুড়িতে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে, কাটমানি হয়েছে, নানান দুর্নীতি হয়েছে, চাকরি চুরি হয়েছে। শাসক দলের আশ্রয়ে থেকে যদি এখন রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রপার্টি সেটাকে লুট করার জন্য এইভাবে মাফিয়ারা বিপরীতভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে পরে শিলিগুড়ির নাগরিকদের নিরাপত্তা কোথায়? আর একে কেন্দ্র করে কী দেখছি, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এক সেখানকার এক ভারত সেবাশ্রম সঙ্গের সে মহারাজের বিরুদ্ধে, আবার নরেন্দ্র মোদী আবার এটাকে কেন্দ্র করে তিনি আবার বলছেন ভোটের বাজার গরম করছেন। আর এর মধ্য দিয়ে মাফিয়ারা বুঝেছে যে কেন্দ্রের হোক রাজ্যের হোক এই দুটো সরকার আর যাই হোক, এই মাফিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে নয়।